बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आई हूँ आप साथ में। आपको भाई सऊदी अरब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल ही बात कर लेंगे। आपको पता है जैसा कि अभी भी बंद जा रही हैं और बहुत से भाई अभी भाई हाथ मल रहे हैं कि फ्लाइट्स ओपन क्यों नहीं हो रही हैं यार, फ्लाइट्स ओपन क्यों नहीं हो रही हैं। तो ये बात भी मानने वाली है, आपको पता है एक साल के करीब होने वाला है, बंदों को छुट्टी गए हुए हैं और वहाँ पर बैठे फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। और अभी मुझे एक चीज़ अच्छी है जी, मैं आपके साथ खबर ये शेयर कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज़ अच्छी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर बोलूँगा क्यों भाई, कि जिन बंदों के इकामे सातवें माह की 31 के ऊपर रुके हुए थे या नौवें माह की 30 तारीख के ऊपर रुके हुए थे, वो अभी ग्यारहवें माह की 30 तारीख तक बढ़ना शुरू हो चुके हैं और बहुत से भाइयों के बढ़ चुके हैं खुद ब खुद इकामा और छुट्टी, और बाकी मेरे भाइयों के भी बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका नहीं बढ़ा है तो आप अपनी कंपनी या अपने कफील या अपने किसी दोस्त को किसी मकतब में भेजकर भाई उसके मुतल्लिक मालूमात ले सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक बात करें तो आपको मैं पहले भाई ये बता दूं कि आपको पता ही नवंबर की तरफ इशारा किया गया था बिलाल अकबर साहब की तरफ से, ये तो आपको इल्म होगा जी। कोई कन्फर्म डेट नहीं बताई गई थी, ना ही अभी कोई बंदा आपको कन्फर्म डेट बता सकता है, लेकिन नवंबर की तरफ इशारा किया गया था बिलाल अकबर साहब की तरफ से कि नवंबर में इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी होगा क्या भाई, अगर तो नवंबर की 15 तारीख से पहले पहले फ्लैट्स ओपन हो जाती हैं तो फिर तो बेस्ट है। अभी बहुत से भाई मुझे भी कमिट कर रहे थे कि भाई अभी दुबई के थ्रू आना चाहिए या फ्लैट्स का इंतजार करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं भाई, बात यह है कि अगर नवंबर की 15 तारीख से पहले ओपन हो जाती हैं तो फिर तो बेस्ट है। अगर नवंबर की 15 तारीख के बाद ओपन होती है यानी कि 20 को, 22 को, 23 को, 24 को, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल कैसे हो जाएगी भाई, आपको पता है जो पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं टिकटें लेकर या टिकटें बेचने वाले, वो फिर आपको लूटेंगे। अगर आपकी 20 तारीख यानी कि नवंबर की 20 को बहाल होती है, 22 को, 24 को, तो फिर वो टिकट जो भाई पहले आपको मिल रही थी 60-70 हज़ार की, वो बाद में आपको मिलेगी 1 लाख की, 1 लाख 20 की। क्यों? दिन कम रह जाएंगे, आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, और खासकर उन मेरे भाइयों के लिए जिनके इकामे छुट्टी अभी तक नहीं बढ़े होंगे। तो भाई अपने इकामे अपनी छुट्टी होके करें, अपने नागरिक सर्टिफिकेट वगैरह ये तमाम तर चीज़ें यानी कि वैक्सीन के मुतल्लिक जो है इसको ओके करके रखें, तो अक्ला में अपना स्टेटस इम्यून करवाएं। अगर आप वहां पर नहीं तो यहां पर किसी को ओपन करवाएं, इम्यून करवाएं, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें भाई ओके करके रखें जैसे ही, ताकि फ्लैट्स ओपन हों, आप अपनी 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद की टिकट लेकर सऊदी अरेबिया में वापस आ सकें।